में परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निजी संस्थान छात्रों से पैसे लेकर फर्जी बस पास बना रहे थे। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग ने नकली बस पास बनाने वाले एक निजी संस्थान का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक निजी संस्थान छात्रों से पैसे लेकर उनका नकली बस पास बनाते थे और बड़े ही शातराना तरीके से सरकार को लंबे समय से चूना लगाते थे। परिवहन विभाग ने चेकिंग के दौरान इस फर्जीवाड़े को उजागर किया। चाचा जी, जो स्कूल है गिमाना के अंदर, एक प्राइवेट स्कूल साथ में लगता है, गिमाना स्टैंड के पास में है। हमें बस जो जींद से भिवानी जाने वाली बस तय करना, उसमें बच्चों के पास में आया कि हमारे स्लिप बार बार बना देते हैं, हमारे पास नहीं देते हैं। तीन चार बार स्लिप दोबारा बना चुके हैं जी, बस तो छह महीने के बनते, साल के बनते हैं जी। रोडवेज GM ब्रिजेंद्र हुड्डा ने बताया कि मामला गंभीर होने की वजह से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही आगे भी चेकिंग अभियान जारी रखने की बात कही गई है। हमें संदेह के शक में हम स्कूल में गए तो उन्होंने बताया कि पैसे तो आ रहे हैं, हमें पास नहीं बनवा पाए हैं। हमारा कलेक्टर था ना, वो कहीं चला गया है, इसलिए हम पास अभी बनवाएंगे। हमने ये मामला जो अपने जनरल मैनेजर के संज्ञान में लिया कि ऐसे ऐसे स्लिप है ना, बार बार बनाई जा रही है, ये मामला गड़बड़ का है। प्रशासन की लापरवाही के कारण सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि सरकारी खजाने पर कोई हाथ साफ न कर।